औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब कंज़ुल अमाल है। रसूल हुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपनी बेटी जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा से फरमा रहे हैं कि बेटी, सबसे पहले अल्लाह ने तेरे बाबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को चुना, इंतहाब कर लिया, और फिर तेरे शोहर नामदार हैदर कर्रार को इंतहाब कर लिया, और फिर उसके बाद मुझ पे वही की और कहा कि अपनी बेटी जनाब सैयदा सैयदतल निसा इल आलमीन हातून जन्नत का अकद अली से कर दो और अली को अपना जानशीन, अपना वसी, अपना वज़ीर, अपना हलीफा नामज़द कर दो। अब ये हदीस है कंज़ुल अमाल में। मैं बड़ी जल्दी से आपके सामने एक नतीजा पेश करने जा रहा हूँ और वो ये है कि जब ये हदीस वारिद हो चुकी तो ज़ाहिर है अस्हाब ने सुनी होगी, अस्हाब में ही तो ये बयान की जाती थी हदीस। तो जब महाजरो अंसार रसूल अल्लाह की मैयत अतहर, रसूल अल्लाह का जस्त अतहर अभी तजहीज़ो तकफ़ीनो तदफीन नहीं हुआ था, अमीरुल मोमिनीन अली रसूल खुदा के पास से बाकी सारे महाजरो अंसार जो हैं वो सकीफ़ा बनी आदा के छप्पर के नीचे, पहले तो बातों में लड़ाई हुई, फिर जो है वो गुथम गुथा हुए, फिर गाली गलोच हुई, बहुत कुछ हुआ कि जो महाजरो अंसार में हुआ। अब मैं बस ये कहूँगा कि ये हदीस रसूल ने फरमाई थी और अस्हाब जो हैं वो हदीस के सुनने वाले होते हैं। अगर सकीफ़ा बनी आदा में महाजरो अंसार को ये हदीस भूल गई थी तो वो सारे भूले हुए थे, तो वो भूले हुए कैसे किसी भूले हुए को हुक्मरान बना सकते हैं? अगर दूसरी वजह ये हो कि उन्होंने ये हदीस जो है याद होने पर भी इसको जो है वो जुटला दिया हो, इसको रद्द कर दिया हो, रसूल के फरमान को पुष्ट दिखा दी हो, यानी रसूल के फरमान की नाफरमानी कर दी हो, तो फिर सहाबी जो है अगर रसूल की हदीस को जुटला दे, उसकी नाफरमानी कर दे। अगर महाजरो अंसार को ये हदीस याद थी कि अली को वज़ीर बना दिया जाए, हलीफा बना दिया जाए और नामज़द कर दिया जाए, और जैसे कि कर दिया दावत ज़ुल-अशीरा में भी, गदीर हुम पे भी, अगर ये हदीस याद थी और इसको जुटला दिया तो सहाबी अगर हदीस को जुटला दे तो वो सहाबी नहीं रहता, तो वो सहाबी नहीं रहता तो हलीफा कैसे रह सकता।